दोस्तों अपस्टॉक्स में फंड ऐड कैसे करें, यानी दोस्तों आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में पैसे कैसे डालें, उसका कंप्लीट और फुल प्रोसेस इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका अपस्टॉक्स अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अपस्टॉक्स का होम पेज कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा है, यानी अपस्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट पेज आपको देखने को मिल रहा है, अपस्टॉक्स प्रो आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपका इस पेज को सबसे पहले अपस्टॉक्स प्रो में स्विच करना होगा। अपस्टॉक्स प्रो में स्विच करने के लिए आपको ऊपर में जो होम का ऑप्शन है, होम का आइकन में क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद में अभी आपको देखिए यहाँ पे एक बॉटम होगा, इस बॉटम को आपको ऑन कर देना है, एनेबल कर देना है इस बॉटम को। ओके, यहाँ से बॉटम को एनेबल करे बिना ही नीचे ऐड फंड में क्लिक करके भी आप फंड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपस्टॉक्स प्रो में स्विच करने के बाद फंड ऐड करूंगा। ओके, तो आपको ऊपर में इस बॉटम को एनेबल कर दीजिए। बॉटम को एनेबल करने के बाद नीचे में आपको स्विच टू अपस्टॉक्स प्रो में क्लिक करना है। स्विच टू अपस्टॉक्स प्रो में क्लिक कर दीजिए। स्विच टू अपस्टॉक्स प्रो में क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अपस्टॉक्स अकाउंट अपस्टॉक्स प्रो में ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो अभी आपको फंड ऐड करने के लिए नीचे अकाउंट में क्लिक करना है। नीचे अकाउंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको फंड्स और प्रोफाइल इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, फंड्स और प्रोफाइल। तो आपको फंड्स में क्लिक करके नीचे में देखिए आपको यहाँ पे कोई भी फंड्स अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, जीरो है। ओके, तो अभी आपको यहाँ से फंड्स ऐड करने के लिए आपको नीचे ऐड फंड्स में क्लिक करना है। ऐड फंड्स में नीचे क्लिक कर दीजिए। ऐड फंड्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी कितने रुपये आप अपस्टॉक्स अकाउंट में ऐड करेंगे, डालेंगे, वो आपको अमाउंट यहाँ पे आपको डालना होगा। ओके, यहाँ पे आपको देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम 100 से लेकर आपको 2 लाख के अंदर में ही आपको एक बार में आप अमाउंट डाल सकते हैं अपस्टॉक्स अकाउंट में, आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम 2 लाख का। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 100 रुपया ही यहाँ पे ऐड करता हूँ। 100 रुपया यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद आपको नीचे में देखिए टेक फंड्स फ्रॉम जो नीचे बैंक है, यहाँ पे अगर आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में एक से ज़्यादा बैंक लिंक है तो आप कौन सा बैंक अकाउंट से अपस्टॉक्स अकाउंट में पैसा ऐड करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। हालाँकि मेरे यहाँ पे एक ही बैंक अकाउंट है तो ये ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड रहेगा। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में दोस्तों आप जो फंड ऐड करेंगे, पैसे डालेंगे, वो आप किस मेथड से डालना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पे भैया UPI ऐप में क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ से अगर आप अपस्टॉक्स अकाउंट में पैसे डालते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको किसी भी तरह का चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। जो अमाउंट डालेंगे वही आपका फंड ऐड हो जाएगा अकाउंट में। और नीचे अगर आप यहाँ पे जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है पे भैया UPI ID, इसको सेलेक्ट करके अगर आपका अकाउंट में फंड ऐड करते हैं तो ये भी बिल्कुल फ्री है, इसमें भी किसी भी तरह का चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। ओके, पे भैया UPI ID से अगर करना चाहते हैं तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसको करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आपको नीचे पे भैया UPI ID में क्लिक करना है। पे भैया UPI ID में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी आप जो भी UPI एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी है, उसका एप्लीकेशन को ओपन करके आपको क्या करना है, उसका UPI ID आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, UPI ID डालने के बाद में आपको नीचे सबमिट में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर में आपको उस UPI एप्लीकेशन में जाके आपको वो पेमेंट जो है उसको सीक्रेट पिन डाल के आपको पेमेंट करते ही आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में फंड यानी पैसा ऐड हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको दूसरा प्रोसेस से ऐड करने का तरीका दिखाऊँगा। ओके, तो और भी एक तरीका जो है वो है कि नेट बैंकिंग 3 नंबर वाला। अगर नेट बैंकिंग को यूज़ करके आप पेमेंट या पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आपको नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक सुविधा है कि इससे अगर आप फंड ऐड करते हैं अपस्टॉक्स अकाउंट में तो आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम 100 से लेकर आपको 1 करोड़ तक का फंड जो है वो आप नेट बैंकिंग के जरिए आप ऐड कर सकते हैं आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में। लेकिन इससे दोस्तों आपको क्या है, इसमें अगर नेट बैंकिंग यूज़ करके अपस्टॉक्स अकाउंट में पैसे ऐड करते हैं तो आपको चार्ज लिया जाएगा आपसे, जो है 7 रुपीज़ चार्ज लिया जाएगा। ओके, तो ये फ्री नहीं है। तो यहाँ पे मैं फंड ऐड करने के लिए पहला वाला जो ऑप्शन है UPI ऐप, इसको सेलेक्ट करता हूँ। फ्री वाला UPI ऐप को सेलेक्ट करके नीचे पे भैया UPI में क्लिक करना है। पे भैया UPI में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका जो भी UPI एप्लीकेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस UPI एप्लीकेशन में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और UPI एप्लीकेशन में जाके आपको क्या करना है, आपका जो भी सीक्रेट पिन था वो सीक्रेट पिन डाल के आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले दोस्तों आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में जो बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है पेमेंट के वक्त। ओके, उस बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके सीक्रेट पिन डाल के जो पेमेंट कर देंगे तो आपको दिखने को मिलेगा गॉट इट एडिंग योर फंड्स नाउ दिखने को मिलेगा और नीचे में जो भी आप अमाउंट फंड ऐड करते हैं वो आपको दिखने को मिल जाता है। ओके, तो आप व्यू डिटेल्स में अगर क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पे सक्सेस दिखने को मिल रहा है, डेट वगैरह, टाइम वगैरह। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे डन करना है। बेगा डन करते ही देखिए आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि 100 रुपीज़ जो है वो आपका अपस्टॉक्स अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपका अकाउंट में पैसा ऐड करना होगा।